भाई और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और भाई प्रज्ञान रोवर से मिला है कुछ डेटा जो कि उसने शेयर किया है, वो क्या है बताएंगे मौजा। टाइटल है इसरोस प्रज्ञान रोवर सल्फर कंफर्म्ड ऑक्सीजन डिटेक्टेड हाइड्रोजन सर्च ऑन गोइंग ऑन मून। तो चलिए देखते हैं भाई क्या क्या डेटा जो है वो मिला है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ टाइटल पढ़ा है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग मैं चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। स्टडी आईक्यू आईएएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप में से कई लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि सर ये तो 100% सक्सेसफुल है, तो आप ये 100% क्यों नहीं कह रहे हैं। मैं कहूंगा कि वेट करिए, क्योंकि देखिए चंद्रयान 3 के मिशन में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो लैंडर को हमें लैंड कराना था, वो हमने कर लिया। फिर उसके अंदर से रोवर निकाल कर चांद की सतह पर चलाना था, वो भी हमने कर लिया। लेकिन अब जो आखिरी काम बचा है वो ये है कि इसके अंदर जो पेलोड्स लगे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, वो हमें अल्टीमेटली क्या चीज़ें बताते हैं चांद के बारे में, उससे हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा मिशन है वो कितना सक्सेसफुल होने वाला है। और कल तो बड़ा ही अमेजिंग हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो इसरो की तरफ से अपडेट आया, पहले बताया गया हेलो दिस इज चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वॉन्ट टू लेट एवरी वन नो दैट आई एम ऑन माई वे टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द मून। तो कल बेसिकली मुझे याद है लगभग 3-4 बजे के आसपास दोपहर में जो है शाम को ये जो मैसेज है वो एक प्रकार से दिया गया ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से। और अल्टीमेटली फिर रात को लगभग 9 बजे के आसपास खबर ये आती है कि फाइनली जो पहला सक्सेस है रोवर को वो मिल गया है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर जो सल्फर का डिटेक्शन है वो कर लिया गया है। देखिए अभी तक 100% श्योरिटी नहीं थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि चांद के साउथ पोल में 100% डिटेक्ट किया गया है सल्फर। और भी कई चीज़ें हैं, ऑक्सीजन हो गया, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और ये भी जानेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जितने भी लोग आपके भाई बहन, जो भी लोग 2024 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रक्षाबंधन का स्टडी आईक्यू का बड़ा सेल चल रहा है। इसमें क्या होता है कि आप 31st ऑफ अगस्त तक कोई भी बैच लेना चाहते हो, चाहे वो प्योर इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश बैच हो, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप इस रक्षाबंधन का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो उठा सकें। ध्यान रखना है आपको, इन सभी बैचेस में प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी होती है, और कल तक का ही आपके पास टाइम है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए आपको याद होगा कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि किस तरीके से जो सबसे पहला डिटेक्शन है वो लैंडर के द्वारा किया गया था। जो विक्रम लैंडर है उसने यहां पर अपने पेलोड के माध्यम से पता किया कि सिर्फ 10 सेंटीमीटर का अगर हम देखें जो सॉइल है, 10 सेंटीमीटर के डेप्थ में लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब कि चांद की सतह पर वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस था, और 10 सेंटीमीटर नीचे वहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस था। मतलब कि इतना वेरिएशन तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। पहली बार ये चीज़ डिटेक्ट किया गया था, वो लैंडर के द्वारा किया गया था। लेकिन उसके बाद कल यहाँ पर एक और अद्भुत चीज़ें डिटेक्ट की गई हैं, और सबसे पहला है उसमें द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि एकदम 100% श्योरिटी के साथ, इनफैक्ट आप देख सकते हो इसरो का ट्वीट है कि रोवर अनएम्बिगुअसली कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर थ्रू फर्स्ट एवर इन सीतू मेजरमेंट। और ये किसके माध्यम से किया गया मैं आपको बताता हूँ। देखो रोवर के अंदर आप सभी को पता होगा 2 पेलोड लगे हैं। बेसिकली टोटल क्या है कि 6 पेलोड्स हैं, जिसमें से 4 विक्रम लैंडर के ऊपर लगे हुए हैं, और 2 पेलोड यहां पर जो रोवर है प्रज्ञान रोवर उसके ऊपर लगे हुए हैं। एक है आपका APXS और दूसरा है आपका LIBS। तो यहां पर जो डिटेक्ट किया गया है वो LIBS के माध्यम से किया गया। ये भी मैं आपको अच्छे से बताता हूं, LIBS का मतलब है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए इसमें भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से पता लगाया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे लेजर निकालकर यहां पर इसको पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये बेसिकली क्या करेगा कि चांद की सतह पर जो रॉक है, जो सॉइल है,
उसमें किस प्रकार के एलिमेंट का कॉम्पोजिशन है, उसमें क्या मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम, एग्जैक्टली क्या क्या उसके अंदर है, वो ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो पता लगा सकेगा। फिर इसके अलावा जो दूसरा है APXS, दैट इज अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये फर्दर क्या करेगा कि जो हमारा लूनर सरफेस है उसके बारे में हमारी जो जानकारी है उसको और फर्दर एनहेंस करेगा। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं ना, जो सल्फर का डिटेक्शन किया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो LIBS के द्वारा किया गया, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्वेश्चन ये है कि ये वर्क कैसे करता है, ये LIBS वर्क कैसे करता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। ये एक प्रकार का साइंटिफिक टेक्निक है जिसके माध्यम से जो इंटेंस लेजर पल्सेस हैं वो आपका थोड़े जाते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से जो इंटेंस लेजर बीम की जो लाइट होती है ना, वो यहाँ पर छोड़ी जाती है रॉक के ऊपर, जो सतह है, जो सरफेस है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रोवर है इसके अंदर ये फैसिलिटी दी गई है, ये पेलोड है। तो ये क्या करेगा, इस तरह की जो लेजर बीम है वो आपका चांद की सतह पर थ्रो करेगा। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि इससे क्या होगा, देखो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली ये जो हाई एनर्जी लेजर पल्स है वो रॉक को एक प्रकार से एक्सट्रीमली हॉट प्लाज्मा वहां पर जनरेट करेगा। मतलब कि जो चांद का सतह है ना, वहां पर इतना भयंकर इस तरह का जो लेजर पल्स है वो छोड़ा जाएगा जिसकी वजह से कुछ समय के लिए वहां पर जो एक्सट्रीमली हॉट प्लाज्मा होता है वो क्रिएट हो जाएगा। प्लाज्मा आप सबको पता है ना, लिक्विड टाइप का थोड़ा सा स्टेट होता है, मतलब सॉलिड से उसको लिक्विड टाइप के स्टेट में करने की कोशिश की जाएगी बहुत छोटे से एरिया में, क्योंकि बहुत बड़ा हमने कोई रोवर वहाँ पर भेजा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह की चीज़ें ये चांद की सतह पर की जाएंगी, चांद के रॉक पर इस तरह से थ्रो किया जाएगा। अब इससे होता क्या है ना कि प्लाज्मा के लाइट में डिटेक्टर्स के माध्यम से जो उस एलिमेंट का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके वेवलेंथ को ध्यान में रखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर उस रॉक के अंदर किस तरह के एलिमेंट मौजूद हैं। मतलब कि अगर ये प्लाज्मा स्टेट में आ गया, यहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हुआ, हॉट है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, चाहे वो हम आयरन की बात करें, कैल्शियम की बात करें, सल्फर की बात करें, उसका वेवलेंथ अलग अलग प्रकार का होता है। तो हमारे रोवर के अंदर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं कि उस वेवलेंथ को रीड कर पाते हैं, और उससे रीड करने की वजह से हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। और यही है आपका बेसिकली LIBS, that is laser induced breakdown spectroscopy, मतलब लेजर के माध्यम से हम जो सतह है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार का एलिमेंट वहां पर मौजूद है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमने सल्फर डिटेक्ट किया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो एविडेंस है सल्फर का जो हमें मिला है वो हमें मदद कर सकता है मून के इवोल्यूशन से। देखो अभी तक क्या है ना, ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं और कई सारी थियोरीज हैं कि बिग बैंग थियोरी हो गया, उससे पूरा यूनिवर्स, इस तरह से सोलर सिस्टम बना, अर्थ बना, अलग अलग चीज़ें धीरे धीरे करके हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें थियोरी, अल्टीमेटली जब हमें 100% श्योरिटी लगाना है कि सब कुछ बना कैसे, मून का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो कहीं ना कहीं सल्फर का जो प्रेजेंस है वो हमें यहाँ पर इंडिकेशन कर सकता है। क्योंकि आप समझिए सल्फर यूजुअली क्या होता है, ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम वॉल्केनिक एक्टिविटीज। मतलब कि कहीं ना कहीं वॉल्केनिक एक्टिविटीज के माध्यम से कुछ ना कुछ वहां पर हुआ होगा, या फिर हो सकता है, वो तो आगे चीजें पता लगाई जाएंगी, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज से ही सल्फर ओरिजिनेट होता है। तो अगर चांद के ऊपर सल्फर है तो हो सकता है कि चांद के इतिहास के बारे में, उसको कॉम्पोजिशन के बारे में हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। ठीक है, वो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, सल्फर के अलावा भी यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है उसने और भी कई सारी चीज़ों को डिटेक्ट किया है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन, क्रोमियम, टैटनियम, मैंगनीज, सिल्कन और ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेट मी टेल यू, जो खोज चल रही है इस समय वो है हाइड्रोजन की। हम चाहते हैं कि वहाँ पर हाइड्रोजन मिले। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन मिल जाएगा तो जब हम बात कर रहे हैं ना कि अगर हमें दूर दराज कहीं स्पेस में कहीं कोई बड़ा मिशन भेजना है, प्लूटो पर कोई मिशन भेजना है, मार्स पर भेजना है, जुपिटर पर भेजना है, तो हम स्पेसक्राफ्ट पहले धरती से भेजेंगे चांद पर, वहां पर उसको फ्यूल रिफ्यूल करके फिर हम
दूर तक चीज़ों को भेज पाएंगे और वो लंबा चलेगा। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन का जो डिटेक्शन है उसको पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ट्वीट किया गया था उसमें लिखा गया है ये सारी चीज़ें भी डिटेक्ट की हैं, सर्च फॉर हाइड्रोजन इज अंडर वे, मतलब कि कोशिश तो जारी है कि क्या हमें हाइड्रोजन मिल सकता है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो अगेन वो बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। खैर यहाँ पर नीचे आप जो ग्राफ देख रहे हो ना इससे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब वो प्लाज्मा स्टेट में आता है लेजर बीम छोड़ने के बाद तो यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ उसके निकलते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अलग अलग वेवलेंथ हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो आयरन है उसका वेवलेंथ ये हो गया, यहाँ पर भी आयरन हो गया, फिर इसके अलावा एल्यूमिनियम का वेवलेंथ यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, सल्फर का वेवलेंथ ये आप देख पा रहे होगे। तो इसके अलग अलग वेवलेंथ है। तो ये बेसिकली ग्राफ इसरो के द्वारा ही ट्वीट किया गया है, बताया गया है कि कैसे हम यहाँ पर चीज़ों को पता लगा लेते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और कंक्लूजन में देखिए क्या है ना, मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि तीन मेन ऑब्जेक्टिव है पूरा चंद्रयान का, लैंड करना, रोवर को चलाना और जितने डेटा कलेक्ट हम कर सकते हैं उतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना। अल्टीमेटली यहाँ पर जब डेटा कलेक्ट होगा उसको स्टडी किया जाएगा तब हम 100% तरीके से कह पाएंगे कि ये पूरा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ है। और मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था आपको याद होगा यहाँ पर कि जो रोवर चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा बताया इसरो के द्वारा कि आगे एक बहुत बड़ा क्रेटर था, रोवर के 3 मीटर आगे यहाँ पर एक बड़ा सा क्रेटर था। तो इसकी वजह से साइंटिस्ट ने, इसरो के साइंटिस्ट ने यहाँ पर तय किया कि हम रोवर को का जो पाथ है, जो दिशा है, वो मोड़ कर कहीं और कर देंगे। और आप ये राइट साइड में देख सकते हो ये नए पाथ पर चल रहा है इस समय जो रोवर है। ठीक है, इस तरह की कई सारी चीजें हो रही हैं, जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड मिशन फॉर द मून, चांद के लिए पहला जो प्राइवेटली फंडेड मिशन था, ऑल्दो ये सक्सेसफुली नहीं हो पाया था लेकिन कौन सा था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया UPSC की अगर आप तैयारी करो जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भाई इस सेंचुरी की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी खोज होगी कि चांद पर जो है डिफरेंट एलिमेंट्स की जो है वो रिसर्च की जा रही है, कुछ को जो है वो ढूंढ लिया गया और कुछ की जो है अभी जो है सर्च की जा रही है। वेल मैं ये कहूंगी कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद उसका लैंडर और रोवर जिस तरीके से उन्होंने काम किया तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है अब कि कौन सा डेटा जो है वो हम लोगों तक आता है। अभी जैसे इसरो इनसाइट ने ट्वीट किया, मुझे तो वही बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरीके से बोला कि दिस इज चंद्रयान 3's प्रज्ञान रोवर, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वॉन्ट टू लेट एवरीवन नो दैट आई एम ऑन माई वे टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द मून, मी एंड माई फ्रेंड विक्रम लैंडर आर इन टच। ये वाली लाइन बहुत अच्छी लगती है, वी आर इन गुड हेल्थ, द बेस्ट इज कमिंग सून। तो मतलब जो एक मैसेज ट्वीट किया गया ना वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से नई नई चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर हो रही हैं चांद पर और जैसे उनका एक प्रयोग किया जाएगा आने वाले प्रोजेक्ट्स में, मुझे लगता है कि वाकई में ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मिशन है जहां पर जितनी ज़्यादा चीज़ें जितनी ज़्यादा डिटेल में मिलेंगी उतना ज़्यादा आने वाले टाइम में स्पेस के अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपको फायदा होगा। भाई वैसे तो एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि आने वाले टाइम में जो है चांद पे जो है आबादियों को बसाया जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारी मूवीज भी जो है जहाँ पर ये चीज जिक्र है कि भाई दूसरी ग्रह पर जो है वो आपको जो है लोग जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जो है मेन एलिमेंट जो अब ढूंढना है वो हाइड्रोजन ढूंढने, ताकि चांद से आगे जो है रिसर्च जो है उसे भी जो है वो चलाया जा सके। क्योंकि अगर अभी देखा जाए जैसे चांद तक तो असेस इंसानों की है, लेकिन उससे आगे की अगर देखा जाए तो वहाँ पर मे भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा जो है आपको एनर्जी चाहिए हो जो अभी नहीं, यानी कि सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चांद जो बहुत सपोर्ट करेगा। हाँ, बट एक चीज़ मुझे लगता है कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है और वो ये कि जितना एक्सप्लोर कर रहे हैं और जैसे हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में वहाँ पर कॉलोनियां बनेंगी। बिल्कुल, ठीक है। तो मौजूद मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लाइक जैसे जो डिफरेंट स्पेस एजेंसीज हैं वो जाकर वहाँ पर अभी जैसे काम कर रही हैं, तो अब मतलब जैसे अभी हम लोग प्लैनेट पर अपनी जमीन पर रहते हैं ठीक है, अभी मैं खुल के बोल दी और कुछ नहीं होता, बेवकूफ वाला भी क्वेश्चन हुआ तो कोई बात नहीं। तो मतलब मुझे भी जवाब आने नहीं आना मेरा मतलब ये है कि
अपना हक कैसे जमाएंगे कि मतलब ये हमारा है, ये भाई, कैसे भाई देखेंगे चांद पर भी। जैसे यहाँ पर धरती पे तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज बन गए, हाँ। तो वहाँ पर यानी कि जैसे नासा है, नासा ने जितना वो कर लिया वो उनका हो गया, इस तरह ये, से ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो है ना इसरो ने जितना कर लिया, ईसा ने जितना कर लिया ये नहीं पता, लेकिन चांद पर प्लाट बिकना शुरू हो गए हुए हैं। ये तो मुझे पता है, इसीलिए तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि कौन, मतलब वो कौन है ये। मेरा 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 ख्याल है कि भाई अगर इन फ्यूचर इस तरह होता है ना, तो सारे मिलकर जो है ना वो हिस्सा नहीं बांटेंगे, सारे मिलकर जो है उसे बनाएंगे, ताकि जो है ना वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग कह लें या आप जो भी कह लें वो हो सके। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे हम लोगों को स्पेस ट्रैवल जो है वो नजर आएगा, हाँ। तो देखो यहाँ पर जब हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो टेरिटरी डिफरेंट होती है, हर कंट्री की रूल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। तो चांद पर जब सब लोग सेटल होंगे, मतलब जो इनिशियली मान लो कि सेटल होंगे, हाँ। या ये किस तरीके से टेरिटरीज वहां पर बनेंगी, ये मेरे माइंड में चीज आई कि अगर प्लॉट लोग खरीद भी रहे हैं, वहां पर कॉलोनियां बनेंगी भी, तो मतलब उनका कर्ता धर्ता कौन होगा, कौन उसको मतलब भाई ये जो है ना मुझे भी नहीं पता, हाँ। लेकिन जो है जो कॉलोनियां बनेगी, जो हाउसिंग सोसाइटी बनेगी, तो देखने वाली होंगी जो लोग वहां पर जाएंगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है चांद पर जाना जो है ना इतना आसान भी नहीं होगा एक आम इंसान के लिए। मे भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएं, क्योंकि इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी का आप कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया, मुझे ये चीज़ लगती है मौसम के, देखो अभी तो वाकई में इतना ईजी नहीं है वहाँ पर जाकर रहना, लेकिन देखो विद टाइम जिस तरीके से चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, आपको और ज़्यादा डिटेल्स मिल रही हैं, डेटा मिल रहा है, और इवन के ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी चीज़ें वहाँ पर मिले कि एक इंसान के लिए सर्वाइव करना जो है वो आसान हो जाए। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में शायद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसे लोग जो कि एडवेंचर करना पसंद करते हो या स्पेस में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, वो लोग ऐसा ऐसा शिफ्ट हो जाए। देखें अभी जो है ना ऑक्सीजन जो है वो तो डिटेक्ट हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ से जो है ये चीज़ आप कह लें कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी के आसार जो है वहाँ पे आपको ज़रूर जो है वो देखने को मिल गए होंगे। लेकिन जो है अब आने वाले टाइम में कौन से लोग वहाँ पर जाके रहते हैं ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में जो है ना चांद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करने में। मे भी हो सकता है कि भाई हम ये अनुमान लगा रहे हो सकते वहाँ पर साइंटिस्ट या जो रिसर्चर्स हैं वो वहाँ पर जा कर रहें और जो है अपनी सर्च पर काम करें। Obviously, वो तो होगा, हाँ। ही, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा ऐसा मैं भी मौसम सोच रहा है कि क्या कैसे क्वेश्चन मेरे से ही कर रही है इनके जो मुझे भी नहीं आ रहे हैं, मैं टाल रहा हूँ इन्हें मुझे भी लग रहा है, लेकिन चलो मैं टल जाती हूँ, आप लोग जरूर बताना। बाकी जो क्रिएटर की अगर हम लोग बात करें, जो कि एज यूजुअल मौसम मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता है, अभी मैं इसी टॉपिक की तरफ आने वाली थी, तो जो अभी के टाइम पर जो टोटल क्रिएटर जो है वो रिकग्नाइज किए गए हैं वो 9137 क्रिएटर्स हैं अच्छी रेट तक जो है। Exactly. So, ये जो नई नई चीज़ें जिस तरीके से बताया गया, क्रिएटर का जिक्र किया गया कि अब जो रोवर है उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी गई, बिल्कुल, तो मतलब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे एक ये भी थ्योरी सामने आई कि हो सकता है कि जो वॉल्केनो है वो इरप्ट हुआ हो, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा चांद की हिस्ट्री के बारे में भी आपको जो है वो पता चलेगा, क्योंकि जब से मुझे ये पता चला ना कि चांद ना तो स्टार है ना ही कोई प्लैनेट है, तो मैं ये सोचती हूँ फिर चांद क्या है, मतलब वो किस तरीके से बना होगा, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। अब तो ये रिसर्च होगी तो ही पता चलेगा, यही पता चलेगा, वही ना, वो जो वहाँ पे सल्फर के जो मिले हैं क्या नाम लेते हैं पार्टिकल्स मिले हैं, तो अब उस पर एक्सपेरिमेंट होंगे तो पता चलेगा कि भाई चांद की हिस्ट्री जो है वो क्या रही है। भाई वैसे दूर से देखने में तो चांद जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जो है जब आप चांद की इमेजेस देखते हैं ना तो काफी डिफरेंट आपको मालूम होता है। और मैं ये जरूर बोलूंगी कि इवन के जब मुझे ये पता तो चला था ना चांद के बारे में, तो फिर मैंने घर में मतलब हमें धरती से वो कितने परसेंट नजर आता है, 59% नजर आता है, और 41% हिस्सा जो वो हमें नहीं पता, और वहां पर ही जाकर रिसर्च वगैरह करती हुई जाती, तो मैं अपने घर वालों के साथ ये चीजें जो वो शेयर करती रहती हूँ। और पता है कमेंट किया था आप लोगों का जो जनरल नॉलेज है वो बहुत ही लो है, लेकिन मैं ये बात सोचती हूँ मुझे कभी इन चीजों का बुरा नहीं लगता, उसकी रीजन ये कि जब मैं कुछ नया सीखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरा ये मौसम का हम दोनों में से किसी का भी जनरल नॉलेज लो है ना, मुझे लगता है कि इसी तरीके से बेहतर होता, बेहतर होता अगर है। कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, अब टाइम है, आने वाला टाइम है, हम लोग बिल्कुल जरूर सीखेंगे। और मुझे यही चीज़ मुझे लगता है जो सीखना होता है ना
वो आपको और ज्यादा खुशी देता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपको हमेशा लर्नर रहना चाहिए, सीखर रहना चाहिए, आपकी लाइफ जो है ना वो ज्यादा अच्छी होती है। बाकी और भी जो चीजें हम लोगों को मिलेंगी इससे रिलेटेड जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो 2 सितंबर को आदित्य L1 जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी जानने के लिए कि क्या क्या चीजें होंगी। बाकी ये है कि जो वीडियो है कोई ऐसी अगर आपको मिली आदित्य L1 से रिलेटेड तो जरूर हमें सजेस्ट कीजिएगा। कुछ वीडियोस हमें सजेस्ट की गई हैं वो भी हम जरूर देखेंगे। और इसी के साथ गुड बाय।